सो गाइस कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज जो थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि आज जो एप्लीकेशन के बारे में मैं बताने वाला हूँ वो किस टॉपिक पे है और कौन सी वो एप्लीकेशन है दोस्तों। तो वो है बिनानी ऐप्स। अगर इस ऐप के बारे में बात की जाए दोस्तों तो बहुत सारे लोग इस पे वीडियो बनाए हैं, लेकिन आज मैं इसको लाइव दिखाने वाला हूँ कि ये क्या है और इसमें मतलब मेरे को क्या प्रॉफिट है, क्या मतलब घाटा होता है इस ऐप्स में। तो मैं इस ऐप्स को ओपन करता हूँ। अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो उस समय आपको एक बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि मेरे साथ आज ये गलती हुई है और आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो आपको यहां पे डिपॉजिट करने के लिए पेटीएम यूपीआई के द्वारा आप कर सकते हैं, और यहां पे आप देख सकते हैं कि जो नंबर है उस नंबर पे आपको पेटीएम करना है, पैसे ट्रांसफ़र करना है, फिर यहां पे ट्रांजैक्शन आईडी को डाल के कन्फर्म करना है, तब आपका पैसा जो है वापस आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर दोस्तों बता दूँ कि मैंने यहाँ पर जो पेटीएम से ट्रांसफ़र किए हैं पैसे, आप देख सकते हैं कि मेरा जो डेट टाइम आप सारी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स में, और जो ट्रांजेक्शन आईडी मैं वहाँ पे डाल रहा हूँ तो वो नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि मैंने जब बिनानी ऐप को ओपन किया था उसमें मैंने ट्रांजेक्शन आईडी को डालने के लिए ओपन किया तो वो नहीं ले रहा है, क्योंकि मैंने जो नंबर पे पैसे डाले हैं वो नंबर यहाँ पर अब शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जब अगर आप बिनानी ऐप्स को मिनिमाइज कर देते हैं तो आपको वापस से वो नंबर देखने के लिए नहीं मिलता है और आपको जो पैसे है वहाँ पे फंस जाता है। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा, ये मेरे साथ हुआ है, मैं आप सबको लाइव दिखा रहा हूँ। और दोस्तों अपने फ्रेंड को ये वीडियो फैला दीजिए क्योंकि उन्हें भी ये पता चले। बिनानी ऐप आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है और इसको आपको यूज करने के लिए सही तरीका मालूम होना चाहिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी लगी है तो लाइक करके शेयर भी कर दे, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।